हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं घर से बाहर हूं, लेकिन अभी अभी मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी खराब हो सकती है क्योंकि मैं घर से बाहर हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एनसीबी इस हफ्ते, दिस वीक एनसीबी अपना चार्जशीट फाइल करेगी सुशांत सिंह राजपूत मामले में, जो ड्रग एंगल निकल के आया था। और आज एनसीबी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है। 33 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का भी नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, एनसीबी ने आज चार्जशीट फाइल कर दी है। दोस्तों आपको बता दूं कि करीब 12,000 पेजेस का हार्ड कॉपी सबमिट किया गया है और 50,000 पेज का डिजिटल फॉर्मेट में सबमिट किया गया है एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स। तो बहुत बड़ी ये एविडेंस है, बहुत बड़ी आप कह सकते हैं सबूत पेश किया है, और एनसीबी ने ये पेश किया है स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में। तो आज स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में एनसीबी ने चार्जशीट फाइल कर दिया है, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती का भी नाम है। और चार्जशीट खुद एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े जी ने फाइल किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एविडेंस है बहुत ही स्ट्रांग एविडेंस है। इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, और स्टेटमेंट के साथ साथ सपोर्टिंग एविडेंस, कोरोबरेटिव एविडेंस हैं, जो कि कोर्ट में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं साबित करने के लिए एक्यूज्ड के दोष को, या फिर उनके आप कह सकते हैं क्राइम को, या फिर गिल्ट को। तो मुझे लगता है अब बचना मुश्किल है, क्योंकि एनसीबी ने बहुत ही तैयारी के साथ ये चार्जशीट फाइल की है, बहुत पुख्ता सबूत है। और अब मुझे लगता है जो दोषी हैं उन्हें इससे बचना बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों तो अभी तक तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। मैं बाहर हूँ, मैं घर लौट के आपको डिटेल्स बताऊंगा कि इस चार्जशीट में और क्या क्या है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो अभी इतना बता दूं कि चार्जशीट फाइल हो गई है, 200 विटनेसेस का इसमें स्टेटमेंट भी है, और 33 लोगों के खिलाफ फाइल हुई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का नाम शामिल है। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इस वीक फाइल होगी, तो फाइल हो गया है। कुछ लोगों ने, जब मैं इस पिछले वीडियो को पोस्ट किया था कि इस सप्ताह एनसीबी अपना चार्जशीट फाइल करेगी, तो कुछ कमेंट आए थे कि यह फेक न्यूज़ है, लेकिन देखिए आज वो सच साबित हुई है। दोस्तों मैं आपको कोई ऐसा न्यूज़ नहीं बताता जो कि मैं कंफर्म नहीं कर लेता, मैं आपको सिर्फ ऑथेंटिक कंफर्म न्यूज़ देता हूं अपने चैनल में। तो दोस्तों मैं घर जाके आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही खुशखबरी है सुशांत सिंह राजपूत फैंस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए, जिसके लिए सब वेट कर रहे थे। तो फाइनली चार्जशीट फाइल हो गया है, और ये एनसीबी का चार्जशीट आपको बता दूं कि सीबीआई को भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एनसीबी और सीबीआई एक ही मकसद से काम कर रही है और दोनों एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं, दोनों का मंजिल एक ही है। तो एनसीबी का ये जो सक्सेस है, ये सीबीआई का भी सक्सेस है, इससे सीबीआई को भी मदद मिलेगी और सुशांत सिंह राजपूत को जल्द जस्टिस मिलेगा, यही हमें उम्मीद है। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में, बाय बाय।